पितृदोष है ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा? पितृ भूखे हैं इसका तो वर्णन हमने पहले कर दिया कि रात्रि को जब आप सोने के बाद में एक डेढ़ घंटे बाद अगर आपकी नींद खुल जाए, एक घंटा डेढ़ घंटा आप सो लिए, उसके बाद जो नींद खुली तो एक डेढ़ घंटे तक अगर आपको नींद नहीं आ रही है, रात्रि को सोने के बाद में एक घंटे बाद जब उठे तो आपको प्यास लग गई, भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी कि मेरे को पानी पीना पड़ेगा, घबराहट हो रही पानी पीना पड़ेगा, एक डेढ़ घंटे सोने के बाद अचानक नींद खुले और आपको प्यास लगे, समझ लेना आपके पितृ भूखे हैं और प्यास है। वो भूखे और प्यास हैं, उनको जल की जरूरत है। किसी भी नदी में, सरोवर में, कुंड में, बावड़ी में, तालाब में, आप तीर्थ में जाकर जब स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद एक काम का नियम बना लो कि अपने हाथ की अंजलि में जल लेकर अपने पूर्वजों को देना है। प्यासे रहते हैं, भाग मांग, भाग प्राप्त करना। तीन वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। नैमिषारण्य की कथा में भी कहा था तीन वृक्ष पितरों के तुल्य हैं, पहला पीपल, दूसरा बट वृक्ष, तीसरा बेलपत्र का वृक्ष। ये पितरों के तुल्य हैं। अगर आपको रात्रि में नींद नहीं आ रही है, ऐसा लगता है कि रात्रि को एक घंटा डेढ़ घंटा सोने के बाद कुछ गलत गलत विचार आने लगते हैं, नींद सुबह तीन बजे तक, चार बजे तक नहीं आती, चार बजे के बाद फिर नींद आती है, तो एक प्रैक्टिकल जरूर कर देखना। एक प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, प्रयास करने में क्या कुछ जाता है क्या? प्रैक्टिकल कर देखना कि कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, तो प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाए। एक लोटा पानी लो, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, बेलपत्री का पेड़ या पीपल का पेड़ या बट का पेड़, इन पेड़ के नीचे ले जाकर उस दूध को दोपहर में सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ले जाकर चढ़ा दीजिए। रात्रि को फिर ना आपको प्यास लगेगी, ना भूख लगेगी, नींद एक बार लगी तो सुबह ही खुलेगी। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, पानी डालने में तुम्हारा कुछ जाएगा? अरे बोलो तो सरी, हाँ भाई 10 रुपया का दूध जरूर उसमें, और तुम इतनी चतुर हो, इतना सारा दूध थोड़ी डालोगे, तुम दो चिल्का डालोगे, कहाँ तुम इतना डालने वाली हो है? कहा बहुत चतुर चतुर लोग हो रहे संसार में, हो भले पूजन पाठ नहीं करे पर कहीं का एकदम मिलने आ जाए ना, क्या अम्मा जी है क्या पाठ कर रही है, फिर वो भी बैठ गई तुरंत, अभी तो सोई थी। क्या पंडित जी हैं क्या, उनसे थोड़ा काम है, अभी माला जप रहे हैं, मालूम पड़े पंडित जी तो आराम से सेव फल खा रहे थे, अब प्लेट सोफा के नीचे घुसे। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, यह तो बस जल डालोगे तुम्हारा ही कुछ अच्छा हो सकता है, बाबा की कृपा है। तीन वृक्ष पितरों के तुल्य हैं, पहला जम के बोलिए पीपल, दूसरा बट वृक्ष, तीसरा बेलपत्री का वृक्ष। तीन पीपल के वृक्ष में 52,000 ब्राह्मण एक साथ निवास करते हैं, इसलिए पितृतुल्य। बट वृक्ष
ब्रह्मा जी के मस्तक से बना, इसलिए पितृतुल्य है। और बेलपत्री का वृक्ष माता पार्वती जी के अश्रु से बना, जब आंसू गिरे थे माता जगत जननी जगदम्बा पार्वती के, उस समय पर पितृलोक में हलचल उत्पन्न हो गई थी, हमारी नातिन की आंख में आंसू कैसे आ गए। मैनावती की पुत्री है, पितरों की नातिन, इसकी अश्रु कैसे गिर गए। पार्वती जी ने कहा यह आंसू नहीं, मेरा पुण्य भाग प्रकट करती हूं बेलपत्री के रूप में। तो पितरों ने वर दिया था कि ये बेलपत्री का वृक्ष हमारा आशीर्वाद है, इसके नीचे अगर कोई दीप लगाता है, शिव को स्पर्श कर चढ़ाता है, उसके पितरों की शांति होगी, हम स्वयं उसको आशीर्वाद देने के लिए पधारेंगे। बेलपत्र का वृक्ष पितृ तुल्य। तो रात्रि को अगर भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो पितृ दोष। दूसरा पितृ दोष का लक्षण बताया, घर में कोई शुभ कार्य ना हो, वंश की वृद्धि ना हो, एक रुपए कमाओ सवा रुपए खर्च हो रहे हैं, पैसा 10 जगह से कमाई आ रही है पर घर में टिक नहीं पा रही है, आया गया पितृ दोष। जरा सी कटोरी पड़ी है उसके पीछे विवाद चालू हो जाए, पानी ढुल गया उसके पीछे विवाद हो जाए, या छोटी छोटी बात में घर में क्लेश मचा हुआ है, पितृ दोष है। समझ लो हमारे पूर्वज हमसे खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं। कोई कहता है गुरुजी श्राद्ध बड़े बेटे को करना चाहिए कि छोटे को करना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर जायदाद का पूरा हिस्सा बड़े ने लिया हो और तुमने अपनी माता का दूध ना पिया हो तो एक ही को कर लेने दो। अगर माता का दूध पिया है और अगर एक अंगूठी भी ली है, जरा सा एक कपड़ा भी अगर सास का लिया है, तो श्राद्ध तो तुझे करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तूने मेरा दूध पिया है तो बिल्कुल जम के तो बोलो। अगर तुमने उनका कुछ खाया है तो कि अब एक काम और हो सकता है, गुरुजी वो श्राद्ध अगर हम नहीं करें और बड़े भैया करें और हम उन्हीं के यहां चले जाएं तो चले जा, मना कौन कर रहा है। पूड़ी का तेल तू ले जा, खीर का दूध दो थैली तू खरीद के ले जा, जितना वहां वो सेवा करे उतनी सेवा तुम करो, गलत है क्या। जायदाद का भी तो हिस्सा किया था, सुई की नोक के बराबर नहीं धुआं ने, ईंट इधर खसकी है तो मारी इधर खसका दीजिए, मारी बसियत में इतना लिखा है तो फिर बसियत में ये भी लिख के जाना चाहिए था। मैं तो कहूँ सबके तुम डरो मत ही रहे, एक भी जब छोरा छोरी के जब सब सामान प्रॉपर्टी दो ना, जमीन दो ना, जायदाद दो ना, सारा सामान छोरा छोरी के दो, तो उनके लिख के भी जाओ कि मारी श्राद्ध कर दे अच्छे से, नहीं तो भूतड़ी बनके सताऊंगी। श्राद्ध करो, कितना दिया तुमको बोलो, ईमानदारी से बोलना कितना दिया। ढेरों। और एक बात बहुत अच्छे से कहूंगा, आप लोगों के जीवन में उतरे, अगर मायके में भाई, मायके में भाभी, मायके के लोग अगर आपके मां बाप का श्राद्ध नहीं करते हैं तो बेटी भी अपने माता पिता का श्राद्ध कर सकती है। उसने भी दूध पिया है अपने माता पिता का, पर वो श्राद्ध का भोजन कौन कराएगा। बेटी का पुत्र हो, बेटी की पुत्री हो, वो कराए, और नाम वो नाना नानी का ले ले करे। अगर वो नहीं कर रहे हैं, वो नहीं संभालते, वो नहीं जानते, तो आप करो, करें।